हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 9 फोर क्लास 9th, ठीक है। साइंस की वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे, वो जो कि शेड्यूल की गई है आपके लिए 24 जुलाई 2020 को। सो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन क्या होते हैं। इसके अलावा हमने विलयन और विलयन के घटक के बारे में पढ़ा, हमने तत्व के बारे में पढ़ा कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। सो आपको वो चीज़ें आई होप क्लियर हैं। और इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे यौगिक व मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप पहले ही पढ़ चुके हो मिश्रण के बारे में। मिश्रण में जो है समांगी मिश्रण होता है और दूसरा कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। और अब हम इसमें जो है यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक क्या होता है और दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर हम जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं। ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यानी शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनकी रासायन सभी जो कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति जो है वो समान होनी चाहिए, ओके। अब जो तत्व है, जैसे अगर हम चांदी की बात करें तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सभी किसके होंगे, चांदी के ही होंगे। इसीलिए हम जितने भी तत्व हैं उनको 100% प्योर जो है उनको हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यौगिक की बात करें तो इसमें क्या है, यौगिक होता क्या है, यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, एक तत्व है। दोनों अगर मिलते हैं तो क्या बना, वाटर, ठीक है। और अगर आप इसको संतुलित करोगे तो इसको दो से गुणा कर दोगे, इसको दो से गुणा कर दोगे, तो अब यहाँ पर क्या बना है आपके पास, यहाँ पर पानी बना है। अब जो बच्चों ये पानी बना है इसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं था कि आपको यहाँ पर टू ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और आप इसको लिख देते H2O2, ये पानी बन गया, ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया और इसकी जो गुण हैं वो वाटर के गुण से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। यानी जो वाटर का जो फॉर्मूला रहेगा वो H2O ही रहेगा, चाहे फिर आप जो है कहीं का भी वाटर ले लो। ऐसा नहीं है कि जो है इंडिया का वाटर, यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला अलग होगा, आप लंदन जाओगे तो वहाँ पर वाटर का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। जो वाटर का फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल सेम ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO2 ही रहेगा, ठीक। इसलिए ये क्या है, ये निश्चित अनुपात में मिलाए गए दो या दो से अधिक तत्वों से बने यौगिक होते हैं, ठीक, जो कि रासायनिक विधि के कारण संयोजन जो है उससे बनते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है और इस तरह से क्या बना, वाटर बना। और जो अनुपात रहेगा हमेशा इसका जो अनुपात है वो इसका 1:8 का अनुपात ही रहेगा। दो यहाँ पर क्या होंगे, इसका परमाणु संख्या यहाँ पर दो हो जाएगी। ऑक्सीजन जो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी, जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:8 का अनुपात होगा, क्लियर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा फॉर्मूला CO2 रहेगा और ये भी एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ी रहेगी, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि, ठीक है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। H2O, जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में ही मिलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम वाटर को शुद्ध कैसे कह सकते हैं। वाटर बिल्कुल शुद्ध है, क्यों है, क्योंकि जो वाटर होगा उसके अंदर जितने भी अणु हैं उन सब का फॉर्मूला जो है H2O ही होगा। यानी पानी अगर है तो उसकी जो रासायनिक गुण होंगे सभी परमाणुओं के वो बराबर होगा। इसीलिए यौगिक जो है वो भी हमारा पदार्थ का एक शुद्ध रूप कहलाता है। जिस तरह तत्व शुद्ध हैं उसी तरह जो हमारे यौगिक हैं वो भी शुद्ध ही कहलाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं यौगिक और मिश्रण के जो है इसमें क्या अंतर है। तो यौगिक अब आपने पढ़ लिया, मिश्रण आप पहले ही पढ़ चुके हो।
सो इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे हमने अभी देखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। जब हमने सामांगी विषमांगी मिश्रण पढ़ा तो हमने इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़ी थी। वहाँ पर अगर आप जो है एक आप सोडियम क्लोराइड लेते हो और इसके साथ आप जो है सॉयल मिला देते हो तो क्या बन जाएगा, ये एक तरह का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। सो यहाँ पर जो है इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हो गई तो फिर जो है वो मिश्रण नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो है क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाएं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, यह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो क्या है, वो ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है, और जो निर्माण होगा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन से बिल्कुल अलग होते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक है। यानी जो भी नया उत्पाद बनेगा वो अपने जो हमारे अभिकर्मक हैं, अभिकारक हैं, उनके जो गुणधर्म होंगे उनसे बिल्कुल उसके गुणधर्म अलग होंगे। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर या द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर इनका तापमान है जिसके ऊपर ये द्रव या वाष्प में बदल सकते हैं। लेकिन मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है, परिवर्तनीय होता है। हम उसको आसानी से उसके घटक जो है उनको बदल सकते हैं। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन, ठीक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहोगे तो यहाँ से आपको रासायनिक अभिक्रिया ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को हाथ से चुनकर अलग कर दोगे, ओके। मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा, ये हम पढ़ चुके हैं। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड को मिला दिया, सॉयल को मिला दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के अपने गुण रहेंगे, सॉयल के अपने गुण रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो दोनों मिलके अपने अपने गुण खो देंगे। नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर है, जल है, नमक, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CuSO4। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो सिंपल जो हमारे सेपरेशन मेथड्स होते हैं उनको हम आसानी से हम जो है मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्कशीट के जो है कुछ वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। अगर आपने वर्कशीट समझ ली है तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर कर सकते हो। यौगिक और मिश्रण के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, आप इजीली व्याख्या कर सकते हो। यौगिक आपने पढ़ा है, मिश्रण आपने पढ़ा है, तो आप लिख सकते हो। यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यही क्वेश्चन आपका अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करना है, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो देखिए पदार्थ में यौगिक और मिश्रण है तो आपको यहाँ पर छांटना है और शुद्ध पदार्थ भी बताना है। तो देखिए जो यौगिक होगा वो जो है कैसा होगा, शुद्ध होगा, मिश्रण शुद्ध नहीं होगा। तो जल है, जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ये क्या है, ये यौगिक है जो कि शुद्ध होगा। तो जो शुद्ध है, यौगिक है, उसको हम सर्कल कर रहे हैं। मिट्टी, ये मिश्रण है, ये यौगिक नहीं होगा। चीनी, चीनी जो है क्या है, चीनी एक यौगिक है, ओके। चीनी क्या है, यौगिक है। उसके अलावा नमक, नमक भी यौगिक है, नमक का फॉर्मूला NaCl। एंड चीनी का घोल, ये क्या है, मिश्रण है, वायु मिश्रण है, समांगी मिश्रण है वायु। दूध, दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये हमारा यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यौगिक है, ठीक है। और ईंट जो है ये क्या है, ये मिश्रण है। सो आई होप यहाँ पर आपको जो वर्कशीट है वो क्लियर समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि जो वर्कशीट है वो आपको समझ आई है या नहीं आई है। एंड एट लास्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।